हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं सेंटर लाइन, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीनों हम एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं। जो भी हम स्केच ड्रॉ करते हैं उसमें अगर हमें किसी रेफरेंस एलिमेंट की ज़रूरत है तो हम सेंटर लाइन, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में है दो टाइप, सेंटर लाइन और सेंटर लाइन टेंजेंट। तो सबसे पहले देखते हैं सेंटर लाइन। कमांड सेलेक्ट करने के बाद हमें स्टार्ट पॉइंट डिफाइन करना है और हमारा एंड पॉइंट डिसाइड करता है कि हमारी सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल होने वाली है या फिर वर्टिकल। चाहिए तो हम इसे टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो स्टार्ट पॉइंट के हॉरिजॉन्टल हम अगर एंड पॉइंट लेंगे तो हमारी सेंटर लाइन हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो जाएगी। अगर हमें वर्टिकल चाहिए तो स्टार्ट पॉइंट और उसी के साथ एंड पॉइंट हम वर्टिकली सिलेक्ट करेंगे तो हमारी वर्टिकल सेंटर लाइन ड्रॉ हो जाएगी। सेंटर लाइन में सेकंड टाइप है सेंटर लाइन टेंजेंट। अगर हमने कोई प्रोफाइल ड्रॉ की है तो इसके साथ हम सेंटर लाइन टेंजेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दो सर्कल है तो सिलेक्ट करेंगे सेंटर लाइन टेंजेंट। अगर हमें यहाँ से एक टेंजेंट लाइन चाहिए और वो सेंटर लाइन होनी चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे सेंटर लाइन टेंजेंट। सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट प्रोफाइल, उसके बाद सेकंड। तो इस तरह यहाँ पे हमारी सेंटर लाइन ड्रॉ हो गई। सेंटर लाइन हमेशा इनफिनाइट होती है और ये टेंजेंट होने की वजह से इन दोनों सर्कल को बाय टेंजेंशियली जॉइंट है। इस तरह हम सेंटर लाइन का यूज करते हैं। आगे देखेंगे पॉइंट, सिलेक्ट करेंगे पॉइंट। जहाँ पे हमें पॉइंट चाहिए बस वहाँ पे क्लिक करो, हमारा पॉइंट जनरेट हो जाएगा। अगर हमें इस पॉइंट की पोजीशन सेट करनी है तो हम इस डायमेंशन को एडिट करके उसे सेट कर सकते हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेक्ट करेंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम, जहाँ पे हमें चाहिए वहाँ पे सिर्फ हमें सिलेक्ट करना है। अगर मुझे इस पॉइंट पे चाहिए तो सिलेक्ट कर देंगे। इस तरह हम कोऑर्डिनेट सिस्टम को ड्रॉ करते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम में थ्री एक्सिस होते हैं, एक्स, वाई और जेड। हमें एक्स और वाई दिखाई देते हैं लेकिन जेड हमारी 2D ड्राइंग होने की वजह से हमें जेड एक्सिस नहीं दिखाई देता। तो इस तरह हम सेंटर लाइन, पॉइंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करके प्रोफाइल ड्रॉ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।